हाय फ्रेंड्स, तो आप में से काफी सारे लोग सोचते हैं कि मैं एक बड़ी टीवी परचेज कर लूं एज कम्पेयर टू रेगुलर मॉनिटर, स्पेशली जो लोग गेमिंग करना पसंद करते हैं बड़ी स्क्रीन्स पे और एंजॉय करना चाहते हैं अपनी गेम्स को। और काफी सारे लोग जो हैं अपने एडिटिंग का या फिर और सारे जो काम होते हैं वो बड़ी स्क्रीन पे इजिली कर पाए, उन्हें दिख जाए सब कुछ, इसलिए परचेज करने की सोचते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या आपको रेगुलर जो है मॉनिटर को छोड़ के एक बड़ी टीवी परचेज करनी चाहिए, उसके क्या बेनिफिट्स होते हैं और मॉनिटर के क्या बेनिफिट्स होते हैं, जिससे आपकी कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर स्टार्ट करते हैं आज की ये वीडियो। तो फ्रेंड, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करना चाहूंगा टीवीज के बारे में। तो आप देख सकते हैं अभी मार्केट में जो है काफी अच्छी वैरायटीज में टीवीज अवेलेबल हैं, यहां तक कि आपको आप आईपीएस में टीवीज देखने के लिए मिल रही हैं, आपको जो है क्यूएलईडी में, और इवन क्वांटम डॉट टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है। तो फ्रेंड्स, यहां पर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। चलिए एक एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, सैन्यू की एक काफी अच्छी टीवी है जो आपको अमेजोन पे मिल जाएगी लगभग 20-25 हजार रुपए के आसपास, 43 इंचेस की फुल एचडी के रेजोल्यूशन के साथ आईपीएस टीवी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स अब ले लेते हैं एक मॉनिटर एलजी का जो 27 इंचेस का है, वो भी फुल एचडी का है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स फिर डिफरेंस क्या है, एक मॉनिटर है 27 इंच का जिसका रेजोल्यूशन सेम है टीवी के जितना ही, तो आपको जो है ज्यादा क्लैरिटी जो है मॉनिटर में देखने के लिए क्यों मिलती है। सारे का सारा खेल यहां पर आता है फ्रेंड्स पिक्सल डेंसिटी का। तो जो हमारी पीपीआई होती है जिसे हम पिक्सल पर इंच कहते हैं, तो एक इंच के अंदर जो है पिक्सल्स आपको टीवी के अंदर काफी कम देखने के लिए मिलेंगे, और अगर आप एक वही 27 इंच के मॉनिटर में देखेंगे तो उस पिक्सल के अंदर आपको लगभग 400 से 500 पिक्सल्स पर इंच देखने के लिए मिलेंगे, और टीवी के अंदर उसी जो है स्क्वायर इंच के अंदर आपको कम पिक्सल देखने के लिए मिलेंगे, लगभग 50 से 100 अगर वो ज्यादा अच्छी क्वालिटी की टीवी है वहीं पर। तो फ्रेंड्स, जहां तक की बात है टीवीज की, तो उसमें जो है बड़ी बड़ा स्क्रीन होता है, बड़ा आपको साइज मिलता है, और रेजोल्यूशन जो है वो फैल जाता है उस हिसाब से। तो जो पिक्सल्स पर इंच यहां पर आपको 27 इंच में देखने के लिए मिल रहे थे वो वहां फैल कर जो है पूरे रेजोल्यूशन को पूरा करते हैं, इसलिए टीवी में जो है आपको टेक्स्ट इमेजेस वगैरह उतनी क्लियर नजर नहीं आती जितनी मॉनिटर में नजर आती है, क्योंकि जितने पिक्सल डेंस होंगे उतनी ही आपको अच्छी क्रिस्प और शार्प इमेज देखने के लिए मिलेगी या टेक्स्ट वगैरह। तो मॉनिटर ज्यादा इसीलिए अच्छा दिखता है टीवी के मुकाबले। वहीं पर टीवीज में जो है एक और जो है आपको डिसएडवांटेजेस मिलता है इनपुट लैग का। तो असल में इनपुट लैग क्या होता है फ्रेंड्स, आपने अपने टीवी को एज ए मॉनिटर यूज कर रहे हैं और माउस से जब भी आप कर्जर को थोड़ा बहुत हिलाएंगे तो वहां पे जो पिक्सल्स रिफ्रेश होते हैं वो थोड़ी देर बाद होते हैं, यानी आपका कर्जर थोड़ा लैग होते हुए यहां पे पहुंचेगा। तो यहां पे ये भी आपको थोड़ा बहुत एक डिसएडवांटेजेस देखने के लिए मिलता है, काफी ज्यादा इनपुट लैग होते हैं टीवीज के अंदर। टीवीज का रिस्पांस टाइम भी बहुत हायर होता है, जितना रिस्पांस टाइम कम होगा उतनी जल्दी पिक्सल्स जो है रिफ्रेश होंगे, बट अब आपका रिफ्रेश रेट जो है टीवी के अंदर आपको मैक्सिमम 8 मिलीसेकंड या 5 मिलता है, वो ज्यादा होता है। तो लगभग 2, 3 या 5 भी हो चलिए तो वो ठीक रहेगा पिक्सल, आप टीवी अगर परचेस करना चाहते हो तो उसके लिए 5 मिलीसेकंड्स का रिस्पांस टाइम भी काफी हद तक ठीक रहता है। जो मॉनिटर्स है उसमें आपको 1 मिलीसेकंड तक मिलता है जो कि बहुत फास्ट होता है, तो इसलिए वो एक चीज आपको टीवी में आपको कम और मिलती है। साथ साथ टीवी का साइज जो है वो थोड़ा सा आप कह सकते हैं बल्कि होता है और मॉनिटर थोड़ा स्लिम होता है, तो आपको वहां पे एडवांटेजेस मॉनिटर में काफी अच्छा वो मिल जाता है। साथ साथ आप अगर मैं बात करूं मॉनिटर्स की, तो मॉनिटर्स में काफी अच्छे एडवांटेजेस आपको पता ही है, कलर रिप्रोडक्शन अच्छा होता है, पिक्सल आप मैंने आपको बताई दिया ज्यादा डेंस होते हैं टीवीज के मुकाबले, और वहीं पर जो उसका रिफ्रेश रेट है वो भी आपको काफी हद तक ठीक मिल जाता है मॉनिटर्स के अंदर। तो फ्रेंड्स, टीवीज के भी अपने कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि उसमें आपको हायर फ्रेम रेट्स देखने के लिए मिल जाते हैं, उसके जो हर्ट्स होती है फ्रीक्वेंसी वो काफी ज्यादा आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे देखने के लिए मिल जाते हैं, जैसे कि 60 हर्ट्स, 120 हर्ट्स, 144 हर्ट्स, 43 इंचेस के साइज के हिसाब से आपको काफी अच्छे फ्रेम रेट देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे अगर आप एक 27 इंच के मॉनिटर में वही जो है फ्रीक्वेंसी देखने परचेज करने की कोशिश करेंगे तो आपको काफी ज्यादा कॉस्टली वो पड़ेगा, 144 इवन 120 हर्ट्ज भी काफी कॉस्टली पड़ेगा मॉनिटर के अंदर। तो ये एक अच्छा खासा बेनिफिट आपको टीवी में मिल जाता है, यानी ये आपको थोड़ा प्रिवेंट करेगा जो मॉनिटर में आप टीयरिंग और घोस्टिंग वगैरह देखते हैं, यानी आपका जो मॉनिटर है वो 60 हर्ट्स तक ही सीमित होता है, मैक्सिमम जो फुल एचडी के मॉनिटर्स आते हैं अच्छे खासे प्राइस पॉइंट पे वो 60 एफपीएस तक ही आपको स्टक हो जाते हैं, और जब आपका ग्राफिक्स कार्ड उससे ज्यादा परफॉर्मेंस दे रहा होता है तो यानी 60 एफपीएस से ऊपर जा रहा होता है, तो वहां पे स्क्रीन टीयरिंग हो जाती है, घोस्टिंग हो जाती है, और थोड़ी बहुत आपको इमेज जो है वो कटनी शुरू हो जाती है क्योंकि फ्रेम रेट जो है वो हायर जा रहे हैं। तो ये वाली चीज आपको बेनिफिट देती है टीवी के अंदर, जबकि उसका रिफ्रेश रेट हायर है और आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पे वो मिल गई है, तो आप गेम को और स्मूथली उस पर एंजॉय
कर पाएंगे। और डिटेल वाले काम के लिए आपको एक मॉनिटर ही परचेज करना चाहिए। बट फिर भी अगर आप एक टीवी को एज ए मॉनिटर यूज करना चाहते हैं तो मैं आपको कुछ ऑफ द रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, बताना चाहूंगा क्या ध्यान में रखना चाहिए। आपको एक टीवी परचेज करते हुए फर्स्ट ऑफ ऑल आज अभी तक की जो एलईडी टीवीज आ रही है उसमें सैनियो काफी अच्छी है 43 इंचेस में, वो एक आईपीएस पैनल है, आपको मैक्सिमम आईपीएस पैनल नहीं मिलेगा, एलजी के अंदर भी है बट वो कॉस्टली है, सैनियो में आपको काफी अच्छे प्राइस पॉइंट पर मिल जाता है। तो एक आईपीएस पैनल हो, फुल एचडी का रेजोल्यूशन है उसका, साथ ही साथ फ्रेंड्स उसका रिस्पांस टाइम कम होना चाहिए, 5 मिलीसेकंड मैक्सिमम, और 2 या 3 मिलीसेकंड होगा तो वो आपको काफी अच्छा और बेनिफिट देगी। वहीं पे आपको टीवी में देखना है कि HDMI 2 जरूर हो। आप परचेज करते वक्त अपने मैन्युफैक्चरर से पूछिए या फिर कस्टमर केयर सर्विस में कॉल करके पूछिए, वो आपको बता देंगे। तो और ये सब आपको चीजें ध्यान में रखनी चाहिए और कम प्राइस पॉइंट का हो, ज्यादा हायर खरीदने की जरूरत नहीं है, अपने अपने जो है अपने जरूरत के हिसाब से आप परचेज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स एट लास्ट मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी आपका यूज है टीवी का एज ए गेमिंग में या वीडियो वॉचिंग में या फिर एज ए मॉनिटर में तो आप कर सकते हैं, बाकी अगर आप एक मॉनिटर ही परचेज करेंगे तो वो आपको काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो अभी नेक्स्ट ऑफ द वीडियोस में मैं आपको बता दूंगा कि आपको के लिए कौन से टॉप 5 जो टीवीज हैं एज ए मॉनिटर आप यूज कर सकते हैं। तो मैं होप करता हूं कि इस वीडियो से जो है आपकी काफी सारी कंफ्यूजन दूर हुई होंगी, अगर हुई है तो फ्रेंड्स लाइक बटन दबा के मुझे जरूर बताइए, नहीं हुई तो आप वो डिसलाइक बटन दबा सकते हैं, बाकी अगर आपने अब तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं करा तो शेयर भी जाके कर दीजिए ताकि उनकी भी काफी ज्यादा हेल्प हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं मिलता हूं आपसे ऐसी किसी अगली वीडियो में।